तो मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है एक काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस, जहाँ पे आज मैं जाऊँगा रात को और देखूँगा क्या वहाँ पे सही में भूत रहते हैं। क्योंकि गाइस मेरे घर के सामने मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो कि उस एरिया में रहते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे जाना बिल्कुल भी रात को सही नहीं है। यहाँ पे देखो ये ना मेरा गांव, और यहाँ पे कुछ कुछ लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि वहाँ पे जो जाता है आज तक वो कभी लौट कर नहीं आया है। तो क्या ये सही बात है? चलो मैं अभी जानने के लिए चलता हूँ उस एरिया में। लेकिन उससे पहले गाइस आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। ओके गाइस, तो आते आते रात हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, और वेट एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे कोई बंदर ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं पूछ सकूँ कि क्या वहाँ जाना सही में सही है। तो ओके, यहाँ पे मुझे एक बंदा मिला है। अरे भाई इधर रुको भाई, एक सेकेंड भाई रुक जाओ भाई, मुझे एक क्वेश्चन करना था। तो क्या यहाँ पे सही में भूत रहते रात को दिखते? वहाँ पे कभी भी रात को मत जाना, क्योंकि वो पूरा भूतिया जगह है। वहाँ पे जो गए हैं वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, तुम मत जाना। तो उसने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया कि मैं वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाऊँ, लेकिन मुझे तो जानना है कि वहाँ पे क्या है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो ओके गाइस, यहाँ पे देखो मैं फुल वही एरिया में आ चुका हूँ, तो मुझे तो यहाँ पे नाइट स्पेंड करना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं करा जा सकता। वेट एक सेकेंड, ये घर के पास तो एक सेकेंड मैंने नोटिस किया, यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लग ही रहा है। बाकी यहाँ पे मैं रात को बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि क्या पता यहाँ पे जाने के बाद मैं कभी भी वापस नहीं घर जा पाऊँ। तो ये देखो गाइस, ये रहा एक एक्स्ट्रा रूम, पता नहीं ये रूम देखो पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। और एक सेकेंड, अभी हम लोग चलेंगे घर के अंदर। ओके गाइस, तो मुझे पता नहीं क्यों काफ़ी ज़्यादा स्कैरी स्कैरी सा फील आ रहा है। आई थिंक सो ये बेडरूम है। ओके तो गाइस, ये जो बेड है ना ये भी काफ़ी अच्छे कंडीशन में है, और यहाँ पे एयर कंडीशनर भी लगाया हुआ है। मतलब ये जो घर है यहाँ पे कोई रहा करता था, और वो बाद में मतलब आप ही खुद समझ जाओ, मैं आगे नहीं बोलने वाला। वेट एक सेकंड, यहाँ पे टीवी है, और ये देखता हूँ अबे ये क्या भाई, भाई टीवी में कुछ तो हो रहा है गाइस। ये देखो लिटरली गाइस, मैं सही में बोल रहा हूँ, यहाँ पे टीवी में कुछ हुआ लिटरली। ओके मैं यहाँ पे अब नहीं रहने वाला। वेट एक सेकंड, यहाँ पे एक और रूम है। अब तो मुझे गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अपने लाइफ को रिस्क में डाल रहा हूँ, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे हो, प्लीज़ कर दो गाइस। वेट एक सेकंड, यहाँ पे तो शायद से ये लिविंग रूम है, और यहाँ पे तो एक और रूम यहाँ पे बनाया हुआ है। पता नहीं गाइस इस घर में कितने सारे ऐसे रूम पड़े हुए हैं। वेट एक सेकंड, ये सीढ़ी का जगह, और यहाँ पे अरे ये क्या था? ओके ये तो किचन है आई थिंक, यहाँ गाइस ये किचन है। और फिर यहाँ का डोर पता नहीं क्यों खुला हुआ है, और यहाँ का शायद से ये बैल्कनी है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, क्योंकि रात के टाइम यहाँ से आई डोंट थिंक सो रहना सही रहेगा। वैसे ये देख लो पहले आप लोग कि यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं चल रहा है, और यहाँ पे देखो ये पूरा एरिया पूरा सन्नाटा है, एकदम भी आवाज़ नहीं आता अंदर। और कुछ भी करके मैं अपना हिम्मत लगा के यहाँ तक तो आ चुका हूँ। फिर यहाँ पे भी एक रूम है, और ये आई थिंक बाथरूम है। ओके तो ये रहा बाथटब। तो गाइस अभी मैं इसके छत के ऊपर आ चुका हूँ, और अभी मैं देखने वाला हूँ कि इसके छत में क्या सीन हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा एकदम अच्छे कंडीशन में, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे शायद से कोई भूत रहता होगा। वैसे वो टीवी वाले सीन के बाद से तो गाइस मुझे यहाँ पे डर लगने लगा है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रहने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। ये देखो गाइस यहाँ का व्यू जो है वो काफ़ी डरावना है। देखो यहाँ पे कोई भी जगह मतलब कोई सा भी गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा खुला हुआ। अरे एक सीन, ये क्या है नीचे? ओके अब शायद से गाइस यहाँ पे रहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये तो किसी का खून पड़ा हुआ है यहाँ पे लिटरली गाइस। अरे ये गायब कैसे हो गया? ओ नो, अब मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला। ये देखो गाइस ये वाला घर पूरा का पूरा आप लोग देख लो, और यहाँ पे मैं बाकी रहने नहीं वाला एक सेकंड के लिए भी। तो अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। वेट एक सेकंड, वो क्या है? सीरियसली गाइस वो क्या है? उस सीढ़ी के पास कुछ तो है गाइस, सही में गाइस कुछ तो है वहाँ पे। और एक सेकेंड, अब तो गाइस यहाँ पे रहना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है, मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहूँगा। और यहाँ पे ये देखो एक सेकेंड, ये रूम देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे, वो देखो गाइस क्या आप लोग को देख, आप लोग देख सकते हो? सॉरी गाइस बट ये वीडियो को यहाँ पे मुझे लगता है एंड करना पड़ेगा। वैसे यहाँ से मुझे जल्दी से जल्दी भागना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अब एक सेकेंड भी नहीं रुकने वाला। पहले तो ये बाइक उठाता हूँ और चलो अपने घर में। तो गाइस कल रात जो मेरे साथ हुआ ना गाइस काफ़ी ज़्यादा स्केरी था, वो वाला जो घर था गाइस लिटरली काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड था। तो लोग सही बोलते थे कि वो घर काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। वैसे मुझे तो ये नहीं पता चला कि क्यों लोग ये बोलते कि वहाँ पर जो भी गया आज तक कभी लौट के नहीं आया। तो गाइस इसी बात में गाइस मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो अभी कभी जाके। थैंक्स गाइस इतने देर तक वीडियो को देखने के लिए, और हाँ बाय बाय।